हम लोग करेंगे, आज हम आ जाते हैं एडवांस टाइटल के ऊपर। आज हम बनाएंगे एडवांस टाइटल, फिल्म का एडवांस टाइटल बनाएंगे जो कि जिस पे हम बात करते हैं। जिस तरह हमारे पास की F9 द फास्ट द फ्यूरियस लिखा हुआ है, हम इस टाइटल को कॉपी करेंगे। इसके बाद हम लोग इस टाइटल को बनाएंगे सेम एज इट इज, बना के इसको हम लोग रेप्लिकेट करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इस तरह का 3D टेक्स्ट अगर हमने बनाना है तो वो किस तरीके के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो चले हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज का। तो आज का लेक्चर जो है, हम लोग जाएंगे फाइल में, न्यू एंड लेगेसी टाइटल। फाइल न्यू एंड लेगेसी टाइटल में हम लोग जाते हैं, लेगेसी टाइटल पे जाके हम इसे करते हैं। ओके, जैसे ही मैं लेगेसी टाइटल पे ओके करूंगा तो मेरे पास जो है एक ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमारे पास मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद है सारा का सारा, कि जिसके अंदर हम लोगों ने ये टेक्स्ट जो है अपनी मर्जी के साथ हम इसको बनाएंगे। और उसके बाद की कुछ प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, जैसे कि आप लोगों को अंदाजा है ऑलरेडी कि हमारे पास जो टूल्स हैं, टेक्स्ट के टूल्स हमारे पास ये मौजूद है, जिसमें हमारे पास सिलेक्शन टूल है, हमारे पास रोटेशन टूल है, हमारे पास टाइप टूल है, हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल है, हमारे पास पाथ टूल है, हमारे पास एरिया टाइप टूल है, हमारे पास जी ये पेन टूल मौजूद है, हमारे पास शेप्स मौजूद है, डिफरेंट शेप्स मौजूद है यहाँ पर। उसके अलावा हमारे पास फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट्स के अलावा ट्रांसफॉर्म है, स्केल है, प्रॉपर्टीज सारी की सारी मौजूद है यहाँ पे। अगर आप देखा है, आपके पास स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज है, आपके पास फिल की प्रॉपर्टीज है, आपके पास बैकग्राउंड है, आपके पास ऑलरेडी काफी यहाँ पे मटेरियल मौजूद है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइपिंग के हम लोग जो है क्या बनाने जा रहे हैं। चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले F9, F9। अच्छा नहीं लिखा नाइन, अच्छा अब लिखा नाइन। जी F9 मैंने टाइप किया है। अभी अगर आप देखें तो इसका स्केल छोटा है, तो आप इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करके आप इसका फॉन्ट साइज इस तरह बड़ा करते हैं। जी मैंने इसका फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको सेलेक्ट करके मैं इसे एंटर करता हूँ, अभी फिलहाल हम इसको इसी तरह ही रखते हैं। और अब हम इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, हम इसका फॉन्ट जो है कोई स्पोर्टी फॉन्ट लगाएंगे जिस तरह का इसके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है। जिस तरह ये एड सिटी बॉय है, ये भी कुछ इसी तरह का ही है, बट मैं यहाँ से फॉन्ट्स जो है सिलेक्ट करके मैं कीबोर्ड से एरो की जो है वो दबा रहा हूं और वो ऑटोमेटिकली फॉन्ट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। जिस तरह ये देखें जी, ये जो फॉन्ट है ये ऑलमोस्ट कोई मिलता जुलता फॉन्ट है जो हमें यूज करना है, जिस तरह का फॉन्ट हमें चाहिए। क्यों जी, आप बताओ। बताएं स्टूडेंट्स, आपको ये फॉन्ट उस तरह का लग रहा है? ऑलराइट, हम इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब हम करेंगे हमारे पास यहाँ पे टॉप पे अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जी एक्स की पोजीशन मौजूद है। आप इसको एक्स की पोजीशन में लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, आप इसको वाई की पोजीशन के अंदर अप डाउन मूव कर सकते हैं, आप इसकी विड्थ है जी फॉर एग्जाम्पल आप इसकी विड्थ अगर बढ़ाते हैं तो ये इस तरह डिस्टॉर्ट होता हुआ इसका विड्थ बढ़ता जाएगा।
बट हमें इसकी विड्थ खराब नहीं करनी। हमारे पास हाइट है तो हाइट का भी हमने खराब नहीं करनी। अगर हमने इसका साइज या रोटेशन करनी है तो हम इसको अपनी मर्जी के साथ रोटेट ये साइज का बड़ा करें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका साइज ऑलमोस्ट कोई इतना बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारी जो फुटेज है वो कुछ फील तो ले ना वो वाली। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 500 कर देता हूँ, ये मैंने इसका साइज कर दिया 500। ठीक है जी, अब ये 500 साइज हो चुका हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लडिंग और कर्निंग। अभी इसके अंदर लडिंग क्या है? लडिंग होती है जो हमारी फुटेज के लाइंस के दरमियान गैप देती है। कर्निंग होती है जो हमारी फुटेज के दरमियान, कर्निंग यानी कि जो वर्ड्स होते हैं उनके दरमियान गैप को बढ़ाती है। सेम एज ट्रैकिंग, ट्रैकिंग भी वही चीज है और कर्निंग भी वही चीज है। जिस तरह मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, मैं एंटर कर दिया। अब पहले जो था, जो पहले था वो हम लोग ट्रैकिंग और कर्निंग यूज कर रहे थे, अब हम लडिंग यूज करेंगे। ये देखिए लडिंग है, तो लडिंग का जो होगा इसी तरीके के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेम उस तरह की फील लेनी है। अगर यू और ट्रैकिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रैकिंग करेंगे, हम इसे सिलेक्ट करते हैं और आप इसके दरमियान ट्रैकिंग करते हैं। अब हम देखते हैं जी ट्रैकिंग और जी सी, तो ऑलमोस्ट उसी तरह का हम लोगों ने वो बना लिया है। ठीक है, अब हमारा जो फॉन्ट का स्टाइल है वो उस तरह का हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम इसका कलर चेंज करेंगे। जिस तरह ही हम आते हैं, उस हम इसको स्लांट भी करना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा अगर हम टेढ़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं सॉलिड कलर पे। आप सॉलिड कलर में लीनियर ग्रेडियंट पे भी आ सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सॉलिड कलर है, तो सॉलिड कलर क्या करेगा? वो सिंपली एक कलर को पकड़ेगा यहाँ से, जो भी आप कलर देना चाहते हैं। वैसे मैं इसको ये कलर देना चाहता हूँ, तो इसी कलर को रख के इसको वो कर देगा, बना देगा उसको। बट अगर हम सॉलिड कलर से जाते हैं ग्रेडियंट पे, तो ग्रेडियंट होता है कि एक कलर से वो दूसरे कलर में शिफ्ट करता है। जिस तरह ये डार्क कलर है, ठीक है, और ये लाइट कलर है, ठीक है, ये दो कलर्स आ गए हमारे पास। अब हम इसका चेंज करेंगे एंगल। ये देखिए, ये अब हम एंगल चेंज कर रहे हैं इसका इस तरह से ये, और अब हम इसका एंगल चेंज करेंगे, यू रख के थोड़ा सा ये रखेंगे, ये चीज सी। हमारा जो है तकरीबन स्टाइल कलर का और वो चीजें दोनों मैच करना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्या है? अब हमने सेकंड में इसके ऊपर करनी है, ऑलमोस्ट मैच हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब हम इसके ऊपर इनर स्ट्रोक और आउटर स्ट्रोक ऐड करेंगे। स्ट्रोक्स में आके हम लोग इसमें ऐड करेंगे इनर स्ट्रोक और आउटर स्ट्रोक। फॉर एग्जांपल मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो इनर स्ट्रोक है, इनर स्ट्रोक हम देते हैं एजिस के ऊपर। तो एजिस वाला स्ट्रोक जो है जी, जिस तरह ये वाइट मौजूद है, हम इस पे क्लिक करते हैं, तो हमने इनर स्ट्रोक तो दे दिया, ये वाला, ये आपके सामने आ गया जो हम लोग ये देना चाह रहे थे। अब आप इसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप लीनियर ग्रेडियंट पे जाते हैं और अब आप इसे कहते हैं कि एक साइड जो इसकी भी डार्क आ रही है, तो आप भी वो डार्क वाला पोर्शन ले लो थोड़ा सा। ठीक है, अब हमने सेम यहाँ पे 276 रखा था एंगल, तो यहां भी हम रख देंगे 276। सही है, और इसको आप चाहें तो आप थोड़ा डार्क भी कर सकते हो इस तरीके के साथ।
सेम एज फॉर एग्जाम्पल बैलेंस में क्लिक करता हूं मैं, इसको मजीद थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ऐसे, तो अब हमारा फॉन्ट तो है वैसा बन गया, ठीक है, फॉन्ट तो हमारा वैसा बन गया, आपको लग रहा है वैसा? ठीक है जी, हमारा फॉन्ट तो बन गया वैसा। अब हम आते हैं जी, इनर स्ट्रोक तो हमारा हो गया, अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे आउटर स्ट्रोक। तो आउटर स्ट्रोक जैसे ही मैंने ऐड किया, और आउटर स्ट्रोक अभी मैंने एजिस पे नहीं चाहिए, वो टाइप पूछ रहा है टाइप किस तरह की चाहिए, तो हम उसको एजिस पे नहीं चाहिए, हमें से चाहिए डेप्थ में, ठीक है। मैंने डेप्थ पे वो ऐड किया, उसके बाद उसका कलर जो है वो ये पिकर पकड़ा मैंने, और यहां से इस कलर को मैंने चूज कर लिया। जैसे ही मैंने इस कलर को चूज किया, और अब इसका एंगल जो होगा वो हम डिसाइड करेंगे किस एंगल पे रखना है। जैसे मैं इसको ले आता हूं ये एंगल, ठीक है, और इस एंगल पे ला के इसकी डेप्थ जो है थोड़ी सी हम लोग इंक्रीज कर देते हैं ऐसे। सही है जी। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे जिस तरह सॉलिड है ये भी सिंपल, अब आप चाह रहे हैं कि ये भी उसी तरह ही आ जाए, मतलब जिस तरह बाकियों में आ रहा है, तो अब हम इसको करेंगे लीनियर ग्रेडियंट। हम इसको पकड़ेंगे यहां से, और एक मजीद जो फुल शाइन वाला एरिया है, एक तो हम बोलेंगे, दूसरा हम पकड़ेंगे फुल डार्कर जो एरिया है हमारे पास, ठीक है। ये अब दो हो गए, ये दोनों तरीकों से हम लोगों ने ले लिए। अब हम इसका थोड़ा एंगल चेंज करते हैं, इस तरह ये आ चुके हैं थोड़ा सा ऐसे, और ये तकरीबन वैसा बनना शुरू हो चुका है। अभी ये वैसा बनना शुरू हो चुका है, अब हम इसको थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा मजीद पॉलिश करते हैं। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें आपके पास यहाँ पे शीन मौजूद है, शाइन जिसे कहा जाता है, आप इस पे क्लिक करते हैं, और अब आप इस पे क्लिक करने के बाद इसके एरो पे क्लिक करेंगे और इसको मजीद ओपन करते हैं, बड़ा कर लिया इसको। ये और आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे, इसका एंगल आप घुमाएंगे थोड़ा सा, ये, और अब हम अपने आउटर स्ट्रोक को देखते हैं, उसको मजीद हम कितना लेके जा सकते हैं डार्कर, ये जी, ठीक है। तो अब हमारा जो टेक्स्ट है वो तकरीबन वही बन चुका है। ठीक है, हमारा टेक्स्ट वही बन चुका है। अब हम अगर अपने इनर स्ट्रोक को थोड़ा सा देखें, तो हमारा इनर स्ट्रोक थोड़ा सा सेट होने वाला है, तो इनर स्ट्रोक पे जाते हैं हम लोग। इनर स्ट्रोक के एरो पे क्लिक किया मैंने, इनर स्ट्रोक के एरो पे क्लिक करने के बाद मैं इसका कलर जो है थोड़ा सा
चेंज करना चाहता हूं ताकि वो इसकी पूरी फील आ सके इसमें। जी हमारा जो है जी टेक्स्ट वैसा बन चुका है, ऑलमोस्ट सारा का सारा वैसा बन चुका है। तो अब हम इसको एनिमेट भी करते हैं उस तरीके के साथ जिस तरह से हमारा बाकी टेक्स्ट जो है ये एनिमेट हो रहा है। सही है जी। चले जी आते हैं हम लोग वापस। अब मेरा जो टेक्स्ट था वो मैंने जो लिखा था अब वो यहाँ मौजूद है। हम इस टेक्स्ट को लाते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए जी आपके पास सेम एज इट इज वही टेक्स्ट जो है वो बन चुका है। आप इस पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद इसको सेंट्रली अलाइन करें। यहाँ से ये सेंट्रली अलाइन कर दिया आपने। अब आप इसका थोड़ा सा ओप्स फॉन्ट काफी छोटा हो गया। आप इसके एजेस यहाँ पे पकड़े, शिफ्ट प्रेस करें और इसको थोड़ा सा व्यू रख दें। ये हो गया जी आपका फॉन्ट। सही है जी। अब आप इसके नीचे ऐड करेंगे आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जिस तरह इसके अंदर लाइट लिक्स मौजूद है उसी तरह हम यूट्यूब पे जाते हैं। तो यूट्यूब पे जाके हम लोग सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं जी लेंस फ्लेयर, ब्लू लेंस, लेंस फ्लेयर हम सर्च करते हैं। लेंस फ्लेयर हमारे पास मौजूद है। आप इसे कॉपी करें और इसको या तो आप इस पे मेरे ख्याल से यहाँ पे एस एस लिखते हैं शायद तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड लिंक पे चला जाता है। तो आप सिंपली इसको डाउनलोड कर लें। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ बैच 29 में। इसको सेव कर दिया मैंने और अब हम इसको ले आते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। मैं आ जाता हूँ बैच 29 में। हम इसको यहां से देखते हैं जी। हमें ये वाला पोर्शन चाहिए। ठीक है इस पोर्शन को हम क्लिक करते हैं। अब हम आते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ऊपर लाने के बाद चलिए ये है था। अब इसको हम लोग राइट क्लिक, अभी देखें अभी स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और इसे करूंगा स्केल टू फ्रेम साइज। स्केल टू फ्रेम साइज करने से ये मेरे पास पूरा आ चुका है इस तरह स्क्रीन के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर एक दफा डबल क्लिक करते हैं हमारा जो पिछला वाला टेक्स्ट है उस पे और इसको ले जाएंगे हम लोग प्योर व्हाइट वाले पोर्शन। उप्स ये नहीं, जो ये वाला है सही है जी। ये हमारा आ गया इस तरह से। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अभी हम इस पे लगाएंगे बेसिक 3D और इसको एनिमेट करेंगे। ठीक है अब हम इसके ऊपर बेसिक 3D लगाते हैं। जैसे ही इसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम लोग बेसिक 3D अप्लाई किया और अब हम इसको लेके आएंगे डायरेक्शनल इमेज। डायरेक्शनल इमेज ये की जो था मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इस तरह आता हूँ मैं और इधर आके इसको डायरेक्शनल इमेज को ले जाएंगे हम पीछे, इसको टॉप पे ले जाएंगे इस तरह से ये। और अब इसको प्ले करेंगे जैसे ही हम लोग।
ये आ चुका है ऐसे, और इसको हम लोग थोड़ा सा तेज करते हैं। अब हम लाते हैं इसको, सी हमारा सेम वही टेक्स्ट जो है वो बन चुका है। अब हम इसको राइट क्लिक करेंगे, इसको ऑटो बेजियर कर देंगे और अब इसे प्ले करेंगे। ठीक है जी, ये आया। जिस तरह ये आके ये रुकता है तो आप इसको हल्का सा एनिमेट भी कर सकते हैं। जिस तरह ये स्विरल्ड है, स्विरल्ड के ऊपर आप क्लिक करें और आप इसको हल्का सा रोटेट कर दें ऐसे, ये चीज। अब हम इसको थोड़ा सा अगेन रोटेट करते हैं। ये और अब प्ले करके देखते हैं जी। सी, और ये एक फ्लोटी सा इफेक्ट जो है वो आपके सामने बन चुका है फास्ट एंड द फ्यूरियस का। सही है जी, आ गई समझ आपको। अब जैसे ये बन चुका है, अब आप इसको सिंपली कॉपी करें, इसको ऑल्ट प्रेस करें, इसको ले आए यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली आके इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे और इसके ऊपर आप लिखेंगे जैसे दिसंबर। और आप इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दें आप, और इसको हम ले आएंगे सेंटर अलाइन। अब हम आते हैं, इसको प्ले करते हैं। तो आपके पास जब ये प्रीसेट बन चुका है तो आप इसके साथ जितने मर्जी टेक्स्ट बना सकते हैं, जितना मर्जी आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। प्ले अराउंड, गो प्ले अराउंड, मेक इट टेक्स्ट, जिस तरह मर्जी एनिमेट करें, इसको घुमाए फिराए। ये अब आपका टेक्स्ट बन चुका है, एक पेंसी टेक्स्ट जो था, एनिमेशन बन चुकी है उसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग किसी भी मूवी का टाइटल जो है वो कॉपी कर सकते हैं, सिंपली आप उसको एनिमेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी क्रिएटिव, और मतलब आपके सामने है, इतना इजी था, राइट? तो स्टूडेंट्स आप लोग इसी तरह ही करें, आप लोग आप फास्ट एंड द फ्यूरियस का ही ट्रेलर डाउनलोड करें और उसी के सारे जितने टेक्स्ट हैं उनको इसी तरीके के साथ कॉपी करें, एनिमेट करें और उसके ऊपर गो अराउंड प्रैक्टिस करें उसके ऊपर आप लोग। और उसी की अगर असाइनमेंट भी आपकी यही है कि आप लोगों ने उसका टाइटल बनाना है और उसी के टाइटल्स को इसी तरीके से एनिमेट करके आपने शेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स आप लोगों के टाइम के लिए।